हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ्स। आज हम बात करेंगे मार्च मंथ के ऊपर। बेसिकली टैरो से रीडिंग करेंगे मार्च मंथ के लिए। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट क्लोज योर आइज और अपने आप को बिल्कुल शांत कर लीजिए। और तीन कार्ड में से फर्स्ट जिसपे रोज पेटल्स हैं, सेकेंड ग्रीन कलर का क्रिस्टल है एंड थर्ड इज द रोज क्वार्ट्स। इनमें से एक कार्ड आपको चूज करना है। एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग में भी आपसे रेजोनेट करे या ना करे। सो अगर रेजोनेट नहीं करती है तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पायल नंबर वन से। जिन लोगों ने भी पायल नंबर वन चूज किया, सबसे पहले हम उनका देखेंगे एंड इनको हम साइड में रख देते हैं। तो पाइल नंबर वन, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कंफ्यूजन चल रही है। आपको बेसिकली बहुत अच्छे से रिजल्ट या फिर एक ग्रोथ नहीं दिख रही है लाइफ में। सेकेंड थिंग, आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो हैं बट आप उनको देख ही नहीं रही हैं। लेट मी शो यू द कार्ड। सो इसमें क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटीज हैं आपके सराउंडिंग में बट यू आर नॉट लुकिंग एट दैट। एंड अगर मैं बात करूँ लव मैटर्स के ऊपर या फिर लव लाइफ के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उसमें भी ज्यादा अच्छा आपका नहीं चल रहा है। एंड आपके माइंड में आपको पास्ट आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। मे बी अगर आपका कोई रिलेशनशिप पास्ट में था तो आप उसमें से अभी पूरी तरह से निकल नहीं पाए हैं एंड वही कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहा है। एंड इंट्यूटिव भी हो आप, इमोशंस भी हैं आपके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। इमोशनली थोड़ा सा ज्यादा अभी डिस्टर्ब हो आप। एंड कहीं ना कहीं जेंटलमैन कार्ड, इट मीन्स कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके रिगार्डिंग भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इशू चल रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ एंजेलिक कार्ड की, तो एंजेलिक कार्ड में आया है आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरे लोगों से मदद मांगे, खुद ही इस चीज में मत जूझिए। बेसिकली व्हाट द प्रॉब्लम इज, कन्फ्यूजन्स है और कॉन्फ्लिक्ट है या तो लाइफ में या फिर हो सकता है किसी के साथ। अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं बट यू आर नॉट लुकिंग एट दैट। सो अपॉर्चुनिटीज को देखिए। जैसे ही आप अपना पाथ को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना बंद करेंगे, अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना बंद करेंगे, वैसे ही आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। और दूसरा, खुद से ही मत जूझिए, थोड़ा सा लोगों से भी हेल्प लीजिए। एंड अगर मैं डिवाइन कार्ड की बात करूँ आपके लिए, तो उसका मैसेज है फॉर यू, अभी जैसा वक्त चल रहा है उसको चलने दीजिए। नया काम मत शुरू कीजिए, पहले जो प्रॉब्लम है उसके रूट तक जाइए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए एंड उसके बाद कुछ नया काम शुरू करना। एंड बेसिकली एंजेलिक कार्ड में भी यही था कि आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो पाइल नंबर वन, कंक्लूजन आपके लिए यही है कि अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए इसमें एंड खुद से सारे डिसीजंस मत लीजिए। थोड़ा सा अपने बड़ों से अपनी हेल्प मांगे एंड जो ग्रोथ थोड़ी सी स्टैटिक है, जो ग्रोथ इतने अच्छे से नहीं हो रही है वो आपको दिखेगी, बट गिव सम टाइम। एंड अभी कुछ नया ज़्यादा मेजर अपनी लाइफ में शुरू मत करना। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। नाउ कम्स टू पाइल नंबर टू। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर टू चूज किया है या फिर ये ग्रीन ब्रेसलेट चूज किया है, ये उनके लिए है। लेट मी रीड द मैसेज। पाइल नंबर टू, पहली बात तो आप किसी ना किसी चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ में फिलहाल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या फिर मैं बोलूँ कि एनर्जी का बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। एंड बेसिकली लुक एट दिस मेल। तो देखिए, ये अपनी जीवन को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं बट अभी इतने अच्छे से हो नहीं रहा है। नाउ द सेकेंड कार्ड एंड मेजर कार्ड इन दिस पाइल इज द डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड ये इंडिकेट ये नहीं करता है कि किसी की डेथ होगी या फिर कुछ बहुत ही बुरा। ये इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ चीज़ खत्म होके एक नई शुरुआत की जर्नी आपकी चलेगी। तो बेसिकली कुछ ना कुछ, जैसे आपका हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो या फिर हो सकता है आपका कुछ ड्रीम हो, मे बी वो फिलहाल एंड होके एक नई बिगनिंग को इंडिकेट करता है ये। ये सब कब ये इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं जो न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करता है, लव लाइफ में भी, इवन द हार्मोनी इन योर लाइफ एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल, दैट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। थोड़ा सा जो आपकी न्यू बिगिनिंग का जो टाइम है, जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है, उसको अच्छे से लीजिए एंड रिजल्ट आपको मिलेंगे। एंड फ्रॉम द सेकेंड डेक ऑल्सो इट इज द सन। सो द सन इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं लाइफ में अगर आप सही डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि द डेथ आया है तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर अच्छे रूप में आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वो गलती कर देंगे या फिर उसमें कुछ ना कुछ लोगों की राय नहीं लेंगे, जो आपसे बड़े हैं या फिर जो आपके मेंटोर हैं उनकी बात नहीं सुनेंगे,
तो मे भी पॉसिबल कि आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दें। एंड द सन है तो इसने इंडिकेट्स कि अगर सही डायरेक्शन में पहुंच गए तो एक ना एक दिन आप चमकेंगे जरूर, आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। एंड एंजेलिक मैसेज भी देख लेते हैं हम। एंजेलिक जो आपको सजेशन देना चाहते हैं वो है अनलाइकली। सो द डेथ एंड दिस अनलाइकली, ये इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका बहुत ही ज्यादा होता है ना कि बहुत पैशनेट है या फिर बहुत ही ज्यादा ड्रीम है, किसी ना किसी चीज का एलिमिनेशन है एंड उसके बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन और कोई ना कोई नई बिगनिंग है आपकी लाइफ में। डिवाइन मैसेज फॉर यू इज, बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है, ईश्वर शीघ्र ही आपकी खुशियां भर देंगे। सो झोली आपकी खुशियों से भर जाएगी एंड जो टाइम आने वाला है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। एक चेंज है आपकी लाइफ में, चेंज बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव वे में है। बट कुछ ना कुछ जो चीज इलिमिनेट होने वाली है, जो चीज आपके लिए नहीं बनी है, उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए एंड लाइफ में एक अच्छे डिसीजन के साथ कुछ ना कुछ शुरुआत कीजिए। एंड जो न्यू बिगनिंग है या फिर जो कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटी है उसको आप देखिए। एंड कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग का भी योग बन रहा है इन द मार्च मंथ। मार्च मंथ में हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ या फिर इवन किसी के साथ भी घूमने जा सकते हैं, इवन रिलेटेड टू योर वर्क। बट या ट्रेवलिंग इज देयर। सो कंक्लूजन फॉर पाइल नंबर टू इज, अपनी लाइफ में जो भी पाथ चूज करेंगे आप या फिर जो भी रास्ता चूज करना है आपको, जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है मार्च मंथ में ये आपको करना है, उसको थोड़ा सा दोबारा एनालाइज कर लें। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। नाउ इट इज द टर्न ऑफ पाइल नंबर थ्री, जिन्होंने भी ये प्यारा सा रोज क्वार्ट्ज चूज किया है ये उनके लिए रीडिंग है। लेट मी स्प्रेड द कार्ड्स। सो पाइल नंबर थ्री, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यूज आपके पास आने वाली है। दैट कैन बी रिलेटेड टू योर वर्क ऑल्सो, दैट कैन बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप ऑल्सो, बट न्यूज इज देयर एंड इवन ट्रेवलिंग इज ऑल्सो देयर। सो मे बी आप कहीं ना कहीं अभी ट्रेवल करके आए हैं या फिर अभी ट्रेवल करने वाले हैं। एंड जस्टिस, द मेजर कार्ड इज जस्टिस। सो जस्टिस मतलब कि आपकी जिंदगी में अगर आपने सही किया है तो आपके साथ सही होने का टाइम आ गया है। अब आपने अगर गलत किया होगा तो आपको उसका फल भी मिलेगा। बट अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राइट नाउ, ऐसा क्या है कि आप किसी इल्यूजन में रह रहे हैं। मे बी आपको लगता हो कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट देन ऑल्सो आप एक स्पेसिफिक पाथ को नहीं चूज कर पा रहे हैं एंड भ्रमित हैं आप। जस्ट लुक एट द कार्ड। बेसिकली ये भ्रम है आपका, ये इतना सच नहीं है, रियलिटी नहीं है। सो ये जो इल्यूजन वाला पार्ट है जो आप बेवजह सोच रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे करेंगे तो आपके साथ ऐसे हो जाएगा, सो उसका आंसर कहीं ना कहीं नो है। लुक एट द एंजेलिक मैसेज। सो एंजेलिक मैसेज के अकॉर्डिंग इनका आंसर नो है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप इतने अच्छे से आपको इल्यूजन हो रहे हैं या फिर एक फॉल्स वर्ल्ड में आप जो रह रहे हैं उनसे आपको निकलने की बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जस्टिस कीजिए, कहीं ना कहीं अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सही करने की कोशिश कीजिए। एंड फ्रॉम द सेकेंड डेक द लेडी आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। मे बी या तो आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है या फिर अपनी फैमिली आपकी सर्च कर रही हो। एंड मैसेज फॉर यू इज बेसिकली द डिवाइन मैसेज, आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं जो आपने मेहनत की है उसकी, लगन और ईमानदारी के साथ अच्छे काम करें। तो बेसिकली जस्टिस एंड ये डिवाइन मैसेज मुझे दोनों ही इंडिकेट करते हैं कि अगर आप किसी की मर्जी के बगैर या फिर किसी को हर्ट कर रहे हैं तो हर्ट मत कीजिए और दूसरे लोगों की सलाह लेकर कोई भी अपना काम कीजिए। कार्ड्स अच्छे हैं, बस यही है कि एक तो आप इल्यूजन से बाहर निकलिए, इल्यूजन में आपको नहीं रहना है एंड अपने लाइफ पार्टनर के पास थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मे बी कोई अपॉर्चुनिटी लाइफ पार्टनर के रिगार्डिंग आपके लाइफ में हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ न्यूज है एंड दैट इज मोर रिलेटेड टू योर लाइफ पार्टनर। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज लाइक एंड शेयर।